केंद्र सरकार के खिलाफ कृषि बिल को लेकर आपको बता दें लगातार आंदोलन चल रहा है। उसी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शंकरगढ़ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उनके कृषि बिल को काला कानून बताकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और किसान मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष विजय पैकुरा ने बताया कि केंद्र सरकार किस प्रकार से किसानों पर अत्याचार कर रही है और देखना होगा कि इस प्रदर्शन से आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हाँ, सरकार के लिए एक मैसेज तो रहेगा ये। सबसे पहले तो एक कृषि जो काला कानून बिल जो आपने लाया है इसको रद्द होना चाहिए। आप नारा दिए हैं जय जवान जय किसान, एक माँ के पेट से दो बच्चे पैदा होते हैं, उसी में से एक जवान और एक खेत पर काम करता है, और इस तरह का आप जबरदस्ती कानून बना के थोपना चाहते हैं और उसी माँ का बच्चा खेत पर कड़ाके ठंडे के मौसम में सुबह सुबह जब पानी देने जाता है अपने फसल को, तो उसके दर्द को समझना चाहिए और इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। जब भी बिल मोदी जी ने किसानों के विरोध में ये तीन काला कानून जो लाया है, इसका ज्वलंत उदाहरण आप सबों को भी देखने को ये मिल रहा होगा कि मोदी जी ने ये काला कानून ला करके देश के पूरे किसानों को एक कर दिया। इससे मोदी जी को लाभ नहीं मिला। कल आप देखे होंगे दिल्ली के पुलिस भी जय जवान जय किसान किसानों के साथ नारा लगा रहे थे। तीन कृषि काले कानून जो केंद्र की मोदी सरकार लाई है, इसमें कितने किसानों को नहीं, 100% 80% देश के जो कृषक हैं सभी को नुकसान होगा। बलरामपुर जिले के सवाग में छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा सवाग में हाई स्कूल भवन का निर्माण कार्य का भूमि पूजन चंदावड़ी महाराज विधायक सामरी संसदीय सचिव लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया गया, जिससे जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कुस्पी, ब्लॉक अध्यक्ष हरीश मिश्रा, गोवर्धन राम व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और जिले के शीर्ष भाजपा नेताओं ने भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष पद की कमान कुस्पी नगर पंचायत के पार्षद व युवा नेता विकेश साहू को सौंपी है, जिसकी अधिकृत रूप से इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कर दी है। विकेश साहू को बलरामपुर जिलाध्यक्ष चुने जाने की घोषणा के बाद पूरे भाजपा युवा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सभी कार्यकर्ता स्थानीय बस स्टैंड में एकत्रित होकर फूल वाला पहनाकर नए जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष बनने की घोषणा होते ही युवाओं में खासा उत्साह छा गया। युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने नगर में जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां भी बांटी गई। इस दौरान सैकड़ों युवा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व कोडागांव विधायक मोहन मरकाम के द्वारा कोडागांव विधानसभा के विभिन्न 9 ग्राम पंचायतों को टैंकर वितरण किया गया। उक्त ग्राम पंचायतों में टैंकर की सख्त जरूरत थी, जिसे मोहन मरकाम ने प्रमुखता से लेते हुए पूर्ण किया। कोडागांव ब्लॉक को 5 टैंकर तो वहीं वाकड़ी को 4 टैंकर वितरित किए गए। जिन ग्राम पंचायतों को टैंकर मिला उनमें मालाकोट, धनपुर, कुम्हारी, लेमड़ी, फूका गिरोला, एरला, छोटे सलना, श्यामपुर व बवई पंचायत शामिल है। पंचायतों को आज पानी टैंकर वितरण किया जा रहा है। गाँव में चाहे शादी हो, ब्याह हो, सुख हो, दुख हो, आवश्यकता पड़ती है, लगातार ग्राम पंचायतों की मांग थी, उसी अनुसार उनकी मांग के अनुसार हम लोग
पानी की व्यवस्था हो तो उसके लिए पानी की टैंकर व्यवस्था कर रहे हैं ताकि जो भी कार्यक्रम हो तो उसमें पानी की समस्या ना हो, उसकी व्यवस्था हम विधायक निधि से कर रहे हैं। मुझे आज बहुत खुश लग रहा है सर कि मैं विधायक जी हमको टैंकर दे रहे हैं। पहले हमारे मुलमुला पंचायत में एक ही टैंकर था तो उसके लिए मारा मारी फिरते थे, बुक पर बुक होता था। अब हमें बहुत सुविधा होगी, हम बहुत खुश हैं ये टैंकर से। और छत्तीसगढ़ स्वयं सहायता समूह मजदूर संघ के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर सीमेंट एवं खदान मजदूर संघ, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार संघ, मध्यान्ह भोजन रसोईया संघ द्वारा संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय के गार्डन चौक में किया गया व रैली निकालकर एसडीएम महेश सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के जिला सह मंत्री सुरत नायक ने बताया कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोइयों को मात्र 4400 रुपए प्रतिदिन की मानदेय पर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा पत्र में रसोइयों को 300 रुपए प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। पूर्व बजट सत्र में मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी प्रकार की मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसी मांग को लेकर घोषणा होने से आज तक ये बढ़ी हुई है। मानदेय राशि का एरियर्स के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किए जाने की मांग है। मुख्यतः जो स्वयं सहायता समूह को पूर्व की सरकार ने या शासन ने जिस उद्देश्य को लेकर गठन किया था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। अभी कोरोना काल की वजह से क्या हुआ, स्कूलों में खाना बनाना बंद हो गया तो इनको सूखा राशन बांटने के लिए बोला गया तो इन्होंने सूखा राशन बांटना भी कुछ महीना चालू किया। खरीद कर हम लोग को जो बाज़ार मूल्य है 1 किलो का बड़ी का 60 से 70 रुपए, उससे कहीं 105 रुपए के दर से हमारे समूह का पैसा काट रहे हैं। जो शासन हम लोगों को समूह का गठन करने के लिए बोले थे, एकता बनाने के लिए कहे थे कि समूह के द्वारा से आप लोगों का उत्थान होगा, आगे बढ़ोगे, नारी का आगे बढ़ना जरूरी है करके कुछ काम समूह वालों को दिए हैं तो हम लोगों को मध्यान्ह भोजन का काम दिए हैं। बड़ी खुद खरीद कर दे रहे हैं, जो बड़ी हम बाजार से खरीदते थे वो 60 से 80 रुपये के बीच में 1 किलो खरीद लेते थे। हम ये चाहते हैं कि शासन बड़ी दे रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो बाजार में रेट है उससे कम रेट में दे तब हम मान्य करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। भाजपा पार्टी की प्रदेश कमेटी ने युवा मोर्चा का गठन कर प्रदेश और जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की। जिलावार सूची में 19 जिलों में जिलाध्यक्ष चुने गए और इसी कड़ी में बस्तर से अविनाश श्रीवास्तव को भाजपा युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष चुना गया। जिलाध्यक्ष चुने के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में जोश के साथ जिलाध्यक्ष का अभिवादन कर उन्हें बधाई दी। साथ ही जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने अपने साथियों को बधाई दी और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को पद में नियुक्ति के लिए भी अभिवादन किया। भाजपा युवा मोर्चा के गठन के बाद बस्तर के पूर्व विधायक संतोष बापना ने भी अविनाश श्रीवास्तव को बधाई देते हुए रीढ़ की हड्डी बनने की शुभकामनाएं दी। जनता पार्टी के जिला बस्तर की अनुशंसा पे अविनाश श्रीवास्तव जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला बस्तर का अध्यक्ष बनाया गया है। मेरी ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में युवा मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहा जाता है इसके ऊपर बहुत दायित्व तो है। युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष नए अध्यक्ष के जो हैं वो अच्छे तरीके से उठाकर जनता को राहत पहुंचाने के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पूरे बस्तर जिले में बढ़े, साथ में बस्तर संभाग में बढ़े, ऐसी चिंता करेंगे। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुत लंबे समय से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है स्वाभाविक है बहुत हर्ष का विषय है मेरे लिए और उतना ही चुनौती भरा है। और पार्टी ने मेरे कंधे पर जो संगठन युवा मोर्चा की जवाबदारी दी है ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिला कोरबा के बाकी मोगरा मेन माइंस में मेन मार्केट तक जर्जर सड़क होने से धूल से परेशानी हो रही है और का जवाब जनता ने चक्का जाम कर और अपनी दुकानों बंद कर दिया। इस बीच SACL के अधिकारियों के द्वारा वार्ता के लिए 2 बार आंदोलनकारियों के पास पहुंचे लेकिन उन्हें बिना जवाब के वापस आना पड़ा क्योंकि आम जनता को सड़क बनाने के लिए टेंडर देखे बिना और जर्जर सड़क पर पानी छिड़काव शुरू किए बिना चक्का जाम समाप्त करने से मना कर दिया। इसके बाद SACL प्रबंधक सड़क निर्माण के लिए 34 लाख रुपए का टेंडर जारी किया जिसका एक प्रति अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पर सर्वदलीय मंच को सौंपा और तत्काल सड़क पर पानी छिड़काव शुरू किया गया।
एसएससीएल प्रबंधक की इस कार्रवाई के बाद ही सर्वदलीय मंच ने चक्का जाम आंदोलन समाप्त की घोषणा की। छत्तीसगढ़ जोला राजनांदगांव के छुईकदान ब्लॉक के ग्राम बुंदेली में व्यावसायिक परिसर निर्माण और इसके आवंटन में जमकर गड़बड़ी की गई। नीलामी के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच में गड़बड़ी भी उजागर हो गई है। जांच अधिकारी की ओर से प्रतिवेदन में इसकी पुष्टि कर दी गई है और नीलामी में नियमों का पालन नहीं हुआ है। जांच अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की अनुशंसा भी कर दी गई है और यह हैरत की बात है कि आज सरपंच और सचिव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टोरेट परिसर में प्रदर्शन किया। कहा कि सीओ के पास कार्रवाई की मांग करने गए थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में पहले शिकायत की गई थी तो जांच अधिकारी आधी अधूरी जांच कर लौट आए थे, पर दोबारा शिकायत कलेक्टर के पास करने के बाद जांच हुई तो गड़बड़ी सामने आई, पर अब कार्रवाई करने में ढिलाई बरत रहे हैं। पंचायत बुंदेली से दिवाकर कुमार सोनी हूं। मैं पूरा ग्रामवासी के साथ आज कलेक्टर में आया हूं। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण करने में सरस्वती शिशु मंदिर को भी तोड़ा गया था, जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ रहे थे, और गांव वाले को बोला गया कि अतिक्रमण करने के समय आपको प्रभावितों को चाल दिया जाएगा, और वो अनदेखे करके पैसा कमाने के चक्कर में नीलामी कर रहे थे। जब हम लोग रोक लगाए तो उसमें ना मूल्यांकन था ना टीएस लिया गया। महापौर रामचरण यादव द्वारा धुरीपारा मंगला में 25 लाख की लागत से बन रहे एसएलआराम सेंटर का जुड़े नए क्षेत्रों में 6 एसएलआराम सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन किया गया। इन सेंटरों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा डोर टू डोर निकलने वाले गीले और सूखे कचरों को अलग कर गीला कचरे से खाद बनाया जाएगा। वहीं सूखे कचरे को सीधा बाजार में बेचा जाएगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका चलेगी। साथ ही इस सेंटर में बनाए जाने वाले खाद को संबंधित क्षेत्र के किसान सीधे सेंटर से खरीद भी सकेंगे। भूमि पूजन में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आदि उपस्थित थे। खबर बलाईगढ़ से है, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि बुलेरो की ट्रक से टक्कर हो जाने के बाद 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के तत्काल बाद भटगांव थाना और बलाईगढ़ थाने की टीम मौके पर पहुंची और मृतकों को प्रशासन की ओर से 25,000 रुपए के मुआवजे का आश्वासन देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बालोद जिले में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं, जिस पर विभाग व प्रशासन मौन साधे हुए हैं। करही बंदर से मोखा सड़क निर्माण कार्य में लगे एजेंसी व ठेकेदार द्वारा मनमानी कर जीवनदायिनी तांदुला नहर किनारे जल संसाधन विभाग की सीमा क्षेत्र में बने खेत की मुरुम विभाग के बिना अनुमति खनन कर सड़कों पर डाला जा रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में नहर की दीवार कमजोर पड़ने की संभावना है। मामले की जानकारी मिलने पर जब केनियो की टीम मौके पर पहुंची तो निर्माण एजेंसी के सुपरवाइजर खेत के किसान को 7 लाख भूमि सुधार के नाम खनन कहने की बात कर रहे हैं कि कैमरे के सामने आने से भागते रहे और ना ही किसी तरह माइनिंग विभाग से अनुमति के दस्तावेज दिखा पाए। सूचना जल संसाधन विभाग को देने पर विभाग के एसडीओ व इंजीनियर मौके पर पहुंचे। संबंधित किसान व ठेकेदार को नोटिस जारी कर संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने की बात कही। और यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं।